आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज सवेरे ईडी ने नेशनल हेरल्ड के मुख्यालय दिल्ली में बहादुर शाह जफर स्थित मुख्यालय पर छापा मारा और खबरों के मुताबिक और भी जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एजेंसी भारत सरकार की है वो छापे मार रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित होकर इस तरह का कुत्सित काम शायद ही किसी सरकार ने किया हो जो आज मोदी सरकार कर रही है। ऐसी मिसाल दूसरी कोई नहीं है। आपकी जानकारी के तौर पर यह बताना जरूरी है कि ये दो कंपनियां यंग इंडिया और एजेएल, यंग इंडिया एक सेक्शन 25 की कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनी है, वहां पर प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके डायरेक्टर्स को ना रेम्यूनरेशन मिल सकता है, ना प्रॉफिट मिल सकता है, ना डिविडेंड मिल सकता है, वहां से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। एजेएल एक पब्लिक इंटरेस्ट में आने वाला न्यूज़पेपर है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का बीजेपी पेंट कर रही है नहीं है। ये दोनों कंपनीज के रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आरओसी पर भी अवेलेबल है और तमामों जगहों पर भारत सरकार के पास अवेलेबल है इनके टैक्स रिटर्न्स, इनके आरओसी के डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीन दिन की अध्यक्ष की आपने तीन दिन पूछताछ करी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की आपने पांच दिन पचास घंटे पूछताछ करी। तो या तो ईडी बिल्कुल नाकारा है या सत्य सिर्फ एक है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी का एक नवनिर्मित फ्रंटल है, एजेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और अपने ही लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए किया जाता है। लेकिन असलियत एक और भी है कि इस देश का असल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। और आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी पाबंदी लगाइए, आप कितने भी छापे मारिए, हम उन दो मुद्दों से देश का, जनता का ध्यान भटकने नहीं देंगे। चाहे संसद में हो और चाहे सड़क पे हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास घेरने की बात हो जो 5 तारीख को हम करेंगे, या राष्ट्रपति आवास पर वॉक टू राष्ट्रपति भवन पर चलने की बात हो, मुद्दे इस देश के बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई है और उससे हम ध्यान बिल्कुल नहीं भटकने देंगे। ये सारी चीजें, ईडी की रेडे, ईडी की गिरफ्तारी, इस तरह की प्रतिशोध की भावना, शायद दूसरे लोग डर जाते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, हमारे आर्म्स और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम लगातार आपसे सवाल आपकी विफलताओं पर, लगातार सवाल जनता की कमर तोड़ महंगाई पर, युवाओं के भविष्य पर जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पूछते रहेंगे। हम इसकी जितनी कड़ी निंदा करें कम है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध से ग्रसित छापे हैं जो सरकार का नव निर्मित फ्रंटल ईडी या इलेक्शन डिपार्टमेंट, जैसा भी आप कहना चाहिए, कर रहा है। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ पॉइंट इन इंग्लिश ऑन दिस। दिस मॉर्निंग द ईडी रेडेड द नेशनल हेरल्ड प्रेमिसेस, द हेडक्वार्टर्स एट द बहादुर शाह जफर मार्ग इन न्यू दिल्ली। वी आर टोल्ड द रेड्स आर ऑन इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और यह कहना जरूरी है, भारत में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेज छापे मारते थे नेशनल हेरल्ड पर, आज मोदी सरकार छापे मार रही है। तो समानताएं दोनों की बिल्कुल एक जैसी हैं, यह असलियत है। कभी अंग्रेज हमें प्रताड़ित करते थे देश की आवाज और देश की बात रखने के लिए, आज मोदी सरकार देश के मुद्दे उठाने के लिए यह कर रही है। यह सच है कि नेशनल हेरल्ड ने लगातार महंगाई पर लिखा है, बेरोजगारी पर लिखा है, और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकार के अपने आंकड़े, 5,422 केसेस ईडी ने आज तक रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 65% केसेस मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, और कन्विक्शन रेट 0.5%, 1% से भी कम है। सबूत है नहीं, केस कोई है नहीं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आपको लगता है कि इस तरह की बात करके आप ध्यान भटकाएंगे, विपक्ष को विचलित करेंगे
और कांग्रेस के हाथ बांधने का काम करेंगे, लेकिन इनमें से आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भी ठान ली है आप जितने छापे मारना चाहते हैं मारिए, आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं, जितने घंटे पूछताछ करना चाहते हैं करिए, हमारे सवाल तो बेरोजगारी और महंगाई पर ही होंगे और जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। दिस अर्ली मॉर्निंग द नेशनल हेराल्ड प्रेमिसेस, द नेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल हेराल्ड इन दिल्ली वाज रेडेड। वी आर टोल्ड द रेड्स आर ऑन इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इन इंडिपेंडेंट इंडिया देयर इज परहैप्स नो अदर गवर्नमेंट एंड नो अदर फेज वेयर पॉलिटिक्स हैज संक टू दिस रॉक बॉटम। दिस इज एब्सोल्यूट रॉक बॉटम फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। To settle petty personal scores, to intimidate India's opposition, the Modi government is doing exactly what the British did during the freedom struggle. During the freedom struggle, the British had banned and had raided National Herald. That's exactly what the Modi government is doing. I also want to put on record here, both AJL and Young India are companies registered, our ROC registered companies. Every transaction is in the public domain. It's a recorded transaction. I also want to emphasize Young India is a profit, no profit, Section 25 company. There is no scope of profiteering from that company for any director, any shareholder. So what exactly are you looking for? AJL, on the other hand, is a public interest newspaper. It's not a commercial organization. Every transaction is in the public domain. You have questioned the Congress president for 3 days. You have questioned the Congress ex-president for 50 hours. Either the ED is completely incompetent and has not been able to gather enough, or the ED has actually become the election department of the BJP. And that seems to be exactly what the ED has reduced itself to. From being an independent agency of the government of India, it has become a frontal department, an election department of the ED, which is used to intimidate opposition, which is used to settle political scores, which is used to intimidate their own who could speak against them, and which is vehemently used to topple democratically elected governments. But the reality of the day is that there are only two issues that matter in this country: price rise and unemployment. And no matter how hard you try, no matter what you do, we will continue to raise the relevant issues of price rise and unemployment, irrespective of how many raids do you want to unleash against us, irrespective of the questioning, irrespective of your intimidation. There may be some people who may be intimidated by what your agencies can do. The Indian National Congress is certainly not one of those. We condemn it, we will fight it, but we will continue to expose the failures of this government, because the future of our youth is at stake due to unemployment, and every Indian is suffering and reeling under high prices. Thank you very much. Any questions you have? And the BJP maintains that the ED is acting as a government body and the only carrying out youth citizens. The ED's track record put out by the government of India in parliament speaks for itself. 5,422 cases registered till date. 65% of those cases registered under the Modi government the last 8 years. The conviction rate is 0.5%, half a percentage point, which essentially tells you that you shoot and scoot, you lodge cases, you make process the punishment, you try and intimidate the opposition, you try and deflect attention from the real issues of the day. And that's what the ED is doing. What role does ED play in democratically elected governments being toppled by the BJP? What anybody who wants to speak against the BJP today, wants to expose this government's failures, will be meted out with either an ED or a CBI or an income tax raid. I also want to remind the people of this country, through channels like yourself, through media people like yourself, the people of this country need to remember that if you join the BJP and if there are ED cases against you, they suddenly disappear, they cease to exist. From Hemanta Biswa Sarma to the Reddy brothers to Yedurappa to Narayan Rane to Suvendu Adhikari, the list is very, very long. Ek wo ajab sa surf ka powder hai, jisse nahakar daag dhabbe dhul jate agar aap Bharatiya Janata Party ke mein gota laga lijiye. Ye wo purna ki ganga hai ki aapke sare paap dhul jayenge. Agar aap Bharatiya Janata Party mein shamil ho jaiye, ED ke cases band ho jayenge. Lekin agar aap shamil nahi honge, to ED aapko pratadit karegi, ED aapko raid karegi, ED गिरफ्तारियां करेगी,
विपक्ष की आवाज को दबाने का काम जो इस देश में हो रहा है, जो इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो ईडी और सीबीआई के बल पर ही कर रही है। और लेकिन हर तानाशाह को लगता है कि वो ऐसा कर लेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स वेरी मच।